बाकी जाकर रिकॉर्ड साइड वन सुनने के लिए ये रिकॉर्ड तैयार है। देखिए मैं इसको अनलॉक करता हूँ, चालू करा, अनलॉक करा, पहला गाना सुनिए। दूसरा गाना मैं सुनाता हूँ आपको, तीसरा गाना। चौथा गाना सुनिए। पांचवा गाना बता दे। मैं हालांकि क्लासिकल संगीत का ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ कह रही है शायद ये ठुमरी है। अगला गाना अपने समय के सुपरहिट सॉन्ग, अब इसकी साइड भी आपको बजा के दिखाता हूं। साइड बी का पहला गाना दोस्तों, एनालॉग रिकॉर्डिंग के अंदर जो स्वीटनेस संगीत की होती थी वो जहाँ तक मुझे लगता है कि अब डिजिटल रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं होती है। हाँ कि रिप्रोडक्शन बढ़िया है, फ्रीक्वेंसीज का रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी सबका आनंद उठा सकते हो, लेकिन जो एक स्वीटनेस एनालॉग रिकॉर्डिंग में हुआ करती थी वो स्वीटनेस जहाँ तक मुझे लगता है इस समय की जो रिकॉर्डिंग डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है उसमें वो, ये मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कई लोग मेरी बात से सहमत ना हो, मेरा ऐसा मानना है। अब मैं आपको अगला गाना सुनाता हूँ। ये भी अपने टाइम का सुपर हिट सॉन्ग रहा बस। इससे अगला गाना सुनाता हूँ मैं आपको, अब इससे अगला गाना सुनिए प्लीज। कॉपीराइट की वजह से इसको पूरा नहीं सुना सकता आपको, अब मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ और अगला रिकॉर्ड जो कि सिलसिला का है वो मैं आपको सुनाता हूँ। सिलसिला मूवी का साइड वन का पहले रिकॉर्ड का साइड वन का पहला गाना
वाला बनाता हूँ। लगाना सुनिए, और गाने सुनाता हूं। साइड बी का पहला गाना, ऐसा जलवा हो ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, इससे लगाना सुनिए। सेकेंड रिकॉर्ड की पहली साइड यानी साइड थ्री पहला गाना। फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, आज भी गाना उतना हिट है जितना अपने समय का हिट था ये गाना। अब मैं अगली साइड बजाता हूं। पहला गाना साइड फोर का,
आप इससे अगला गाना सुनिए। अब इससे अगले गाना सुनिए। तुम होती तो वैसा होता, शायद डायलॉग इस गाने में। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। आखिरी गाना ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कोई भी सज्जन इन LPs को अगर खरीदना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं। धन्यवाद।